देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर चंदौली के डीडीयू नगर से है। पूरे देश में चल रहे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान नगर के सुभाष पार्क के सामने भारत माता का पूजन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग सद्भावना प्रमुख डॉक्टर अनिल यादव ने कहा कि अमृत महोत्सव का दूसरा पक्ष यानी कि भारत माता पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। पहले पक्ष में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जो नगर में प्रत्येक वार्ड और गांव में प्रत्येक न्याय पंचायत से लेकर गाँव स्तर तक सम्पन्न हुई। इस कार्यक्रम के दौरान दीनदयाल नगर के प्रत्येक वार्ड में पूजन और आरती का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा और लोगों में देश के प्रति आस्था को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जब देश प्रबल होगा तो समाज भी प्रबल होगा और व्यक्ति के रूप में हम लोगों को काफी ताकत मिलेगी। देश की समस्याओं का हल प्रखर राष्ट्रवाद में ही संभव है। डॉक्टर यादव ने आगे कहा कि 16 दिसंबर को एक भव्य तथा ऐतिहासिक कार्यक्रम कैली में संपन्न होगा, जिसमें वंदे मातरम के साथ राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार का भाषण सुनने को मिलेगा। इस अवसर पर संतोष उपाध्याय, अभिषेक पांडे, संजय सिंह, साधना सिंह, राणा प्रताप सिंह, आलोक सिंह, कुंदन सिंह, अशोक सैनी, अनूप बरनवाल, रोहित यादव, रामजी यादव, अंकित सिंह, शंभुनाथ यादव, सौरभ जायसवाल, अंशु उपाध्याय, मनोज उपाध्याय, निशा शर्मा, माधुरी गुप्ता, सुषमा तिवारी, विशाल तिवारी, पुष्पा मिश्रा, अशोक सोनकर, डॉक्टर सत्यकेतु जायसवाल, अभिजीत, संजय राय, कमलाकर दुबे, अनिल सिंह, अशोक गुप्ता, डॉक्टर मुकेश प्रताप सिंह नागवंशी और भुवनेश्वर कुमार समेत सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की समाप्ति भारत माता की आरती के साथ संपन्न हुई। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और 75 वर्ष की आजादी को या स्वतंत्रता को, आजादी हम नहीं कहते, आजाद तो हम पहले भी थे, गुलाम कभी नहीं हुए, और उस स्वतंत्रता के 75 वर्ष को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, उत्सव पूर्वक मना रहे हैं, जिसका नाम रखा गया अमृत महोत्सव। और अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय समिति हमारी बनी है और उसमें 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक कार्यक्रम चल रहे हैं। 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन था, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया था, वो भी 50 साल पूरा हो रहा है। 71 में ये आज़ादी मिली थी और 50 वर्षों में 21 में हो रहा है। तो इसमें दो फेज हैं। हमने आज तक माने 30 नवंबर तक तिरंगा झंडा यात्रा निकाला और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हम चलाएंगे भारत माता का पूजन और 16 दिसंबर को कैली में शानदार भव्य लाखों लोगों के मध्य इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। समापन समारोह में राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार जी का आगमन होगा और देश भर में राष्ट्रभक्ति के ज्वार को फैलाना, राष्ट्रभक्ति के प्रभाव को, प्रखर राष्ट्रवाद को फैलाना, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि भविष्य में और राष्ट्रवादी जितने हैं वो तत्व जो इस देश पर कुदृष्टि डालते हैं वो आंख न उठाने पाए।